आत्मा योजना अंतर्गत विकासखंड पनागर के ग्राम भद्दा में आए हुए हैं, जहां श्री सतीश दुबे जी के यहां नवाचार योजना अंतर्गत औषधीय पौधों की खेती के अंतर्गत चिया की खेती का प्रदर्शन लिया गया है, जिसमें आज हमने उसको वर्मी कंपोस्ट और कल्चर से उपचारित कर आज यहां पर बोनी उनके क्षेत्र एक एकड़ की गई है। नवाचार अंतर्गत चिया सुपोर्ट फूड का प्रदर्शन विकास खंड पनागर के ग्राम भरदा में परियोजना संचालन आत्मा डॉक्टर एस के निगम के मार्गदर्शन में नवाचार अंतर्गत औषधि फसल चिया की खेती का प्रदर्शन किया गया। उप परियोजना संचालक श्री नम्रता उड़कड़े, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी डॉक्टर अवध तिवारी, ब्लॉक तकनीकी प्रबंधक मोनिका झा एवं दीपमाला आर्य एवं ग्राम के कृषक योगेंद्र दुबे व अन्य कृषकों की उपस्थिति में सतीश दुबे के खेत पर बीज उपचार व बुआई कराई गई। चिया की खेती हेतु प्रति एकड़ 5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। चिया को सुपर फूड में शामिल किया गया है, जिसका उपयोग मधुमेह व हृदय रोगियों एवं वजन घटाने में कारगर होता है। बने रहें तो खबरदार न्यूज के साथ, धन्यवाद। मैं सतीश दुबे पनागर विकास खंड के ग्राम भद्दा से आज चिया सीड की शोइंग करने हम जा रहे हैं, जिसमें हमने ट्राइकोडर्मा अपना वर्मी कंपोस्ट में पहले से इसमें हमने ऐड करके रखा है, और उसके बाद में अभी जो चिया सीड है उसको हम बीटावैक्स पावर से हम इसको उपचारित करेंगे। जो हमें आत्मा परियोजना के अंतर्गत अपना नवाचार प्रदर्शन के लिए हमको चयनित किया गया है, जिसमें हमारे मैडम कविता मैडम और मोनिका मैडम ये सभी पहुँची हुई हैं, और ये हमारा जो अभी हम उपचारित करेंगे ये देखिए 5 किलो प्रति एकड़ हम चिया सीड को लेते हैं और उसको विटावैक्स पावर से हम इसको उपचारित करते हैं। ये चिया सीड जो है हमने बीटावैक्स पावर से उपचारित कर लिया। अब इस बीटावैक्स इसको चिया सीड को हम वर्मी कंपोस्ट में मिला करके डालेंगे। कारण क्या है, इसलिए इसमें मिला करके हम डालेंगे कि ये इतना बारीक सीड है कि हम डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते, इसका सहारा हमको लेना पड़ेगा, इसलिए हम इसको वर्मी कंपोस्ट के साथ में इसको मिला करके और हम फिर अपने खेतों में छिड़क देंगे। ये हमारा एक एकड़ का हमारा सीड तैयार हो गया। बीच बीच में अभी हम जैसे ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास और अपने जितने भी एनपीके वगैरह जो जैविक बैक्टीरिया खाद है वो हम अभी अपने नोजल के माध्यम से हम इसमें डालते रहेंगे।